नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों, अभी जो मार्केट का सिचुएशन चल रहा है वो आप लोगों के सामने है। बेयर मार्केट चल रही है, हर थोड़े से उछाल के बाद बेयर मार्केट अपना असर दिखाती है, मार्केट नीचे की तरफ चली जाती है। और जैसा मैं बार बार आपको बोलता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर आकर जो रियल फेस है, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट का है, चाहे वो किसी क्रिप्टो का है या किसी इन्वेस्टर का है, वो सब यहाँ आकर दोस्तों सामने आता है। अभी आप यहाँ देखेंगे कि बहुत सारे इन्वेस्टर इम्पेशेंस हो रहे हैं, बहुत सारे गालियाँ दे रहे हैं एक दूसरे को, बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर हैं उनको बोल रहे हैं कि आपकी वजह से ये हो गया, आपकी वजह से वो हो गया। दोस्तों, किसी की वजह से कुछ नहीं हुआ है, ये सारा जो गेम है वो मार्केट का है। दोस्तों, जब तक मार्केट आपको तोड़ेगी नहीं, आपको वो छोड़ेगी नहीं, और ऐसा तोड़ेगी कि आप दोबारा जब चढ़ेगी तब जाके उसमें घुसोगे। यही अटल सत्य है दोस्तों दुनिया का, यही सबसे बड़ी मुसीबत है इस दुनिया की। पेशेंस के बिना हर कोई करोड़पति बनना चाहता है। अगर आप मार्केट में डील नहीं कर रहे हो तो आप चुपचाप बैठे हो, आपके कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट गिर रही है उठ रही है, लेकिन द टाइम यू एंटर इनटू मार्केट वही आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि मेरा पोर्टफोलियो माइनस में आ गया। दोस्तों, ये होगा और ज्यादातर टाइम आपका पोर्टफोलियो माइनस में रहेगा। पूरी उम्र अगर आप क्रिप्टो में डील करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम योर पोर्टफोलियो विल बी इन द नेगेटिव जोन। इसको आप लिख लीजिए, इसको आप जान लीजिए, इसको आप समझ लीजिए। अब रियल इन्वेस्टर वही है जो इसको पकड़ के रखेगा, जो इसको काबू करके रखेगा, जो अपने दिमाग पे कंट्रोल रखेगा। दोस्तों, जहां आपने ये सोचना शुरू किया कि मेरा पोर्टफोलियो इतना माइनस हो गया, वहां आप गए। पोर्टफोलियो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका माइनस रहेगा। बुल रन थोड़ा टाइम चलता है, बेयर रन ज्यादा लंबे समय तक चलता है, और ये वो टाइम होता है जब आपकी पेशेंस का मैक्सिमम टेस्ट लिया जाता है दोस्तों, क्योंकि पैसा कमाना उतना आसान नहीं है जितना हम एक्सपेक्टेशन के साथ मार्केट में आते हैं कि मैं आते ही राकेश झुनझुनवाला बन जाऊंगा। अगर आप किसी भी लेजेंडरी इन्वेस्टर के इंटरव्यूज उठा के देखोगे तो वो आपको यही बताएगा कि मेरा पोर्टफोलियो माइनस में है एंड आई हैव टू वेट 5 years। 5 साल बाद देखना आप क्या होने वाला है इस पोर्टफोलियो का, 2 साल बाद देखना आप क्या होने वाला है, 3 साल बाद देखना आप क्या होने वाला है। तो ये सारी चीजों को समझना जरूरी है दोस्तों, और आप समझिए मत, आप खुद जांचिए। आप 2009 से जब से क्रिप्टो सर्कुलेशन में आया है तब से लेके अब तक क्रिप्टो का चार्ट देखिए, कुछ सेंट से चलता हुआ, 1 सेंट से भी कम में चलने वाला बिटकॉइन आज जिसे हम बेयर मार्केट बोल रहे हैं, डेड मार्केट बोल रहे हैं, क्रिप्टो विंटर बोल रहे हैं, उस टाइम भी $16,500 का चल रहा है। दोस्तों, ये समझना जरूरी है, ये लॉन्ग टर्म की पावर है। अगर 2009 में आप बिटकॉइन होल्ड कर रहे होते जो कि 1 पैसे से भी कम का था, आज वही बिटकॉइन $16,500 का है। तो दोस्तों, डरे नहीं, घबराए नहीं, टाइम आता है, देखिए समय लगता है, लेकिन मार्केट ऊपर नीचे चलती रहती है। अब अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में देखते हो तो ये लॉन्ग टर्म में अभी भी क्रिप्टो बुल मार्केट में है। वो कैसे है? अगर आप इसका पिछला जो लो देखोगे तो उस लो से ये आज भी ऊपर है दोस्तों, तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म में मार्केट अभी भी बुल फेज में है, और लॉन्ग टर्म में ये जो फेज चल रहा है वो पुल बैक है। इसको आप समझ लीजिए, पकड़ के रखिए,
किसी भी बड़े इन्वेस्टर की गेम से मत हारिए, अच्छा क्रिप्टो रखिए। देखिए, जो जब मैं अच्छे क्रिप्टो की बात करता हूँ तो उस टाइम मैं बात करता हूँ जो ये सॉलिड क्रिप्टो हैं, चाहे टॉप 20 हो, टॉप 25 हो, टॉप 50 भी हो, मैं जब इसकी बात करता हूँ तो मैं उस क्रिप्टो की या उस कॉइन की बात करता हूँ जो नए नए आते हैं और उसके चढ़ते प्राइस में हम घुस जाते हैं, क्योंकि उस टाइम बुल मार्केट चल रहा होता है और बुल मार्केट में इस तरह के ट्रैप बहुत चलते हैं। तो उस तरह की क्रिप्टो में मत घुसें, अच्छी क्रिप्टो में पैसा लगाएं और टिके रहें दोस्तों, कहीं नहीं जाने वाला कुछ भी। मेरे को मत मानो, आप इसके चार्ट को मानो। आप इसका चार्ट उठाकर देखें 2009 से, तब से लेके आज तक क्रिप्टो एक बार भी बेयर मार्केट में नहीं गई है। जो इसने अपना हाई बनाया है उससे ऊपर ही ये बैक मारी है, उससे नीचे ये कभी नहीं गई है। तो जिस दिन आप इस चीज को समझ जाएंगे दोस्तों, उस दिन आप धीरे धीरे अक्यूमुलेशन शुरू कर देंगे, थोड़ा थोड़ा पैसा अपनी सेविंग का क्रिप्टो मार्केट में अच्छे कॉइन में डालते जाएंगे और इंतजार करते रहेंगे दोस्तों, जिस दिन टेबल टर्न होंगे, जिस दिन बुल मार्केट आएगी, उस दिन आप किंग होगे इस मार्केट के। उस दिन आप इस डिसीजन को प्रेज करोगे कि मैंने एक अच्छा डिसीजन लिया था। तो दोस्तों, यही सब के साथ जुड़े रहो हमारे साथ। धन्यवाद।